जस्ट हुआ है एक्चुअली, सुबह से काफ़ा काफ़ी भागा दौड़ी हो गई थी, और सुबह से काफ़ी भागा दौड़ी हो गई थी। क्या हाल है आप सबके? नए व्लॉग में आपकी शुरुआत है। अभी सो के उठे हैं दोनों के दोनों, मतलब अराउंड 3 बजे के आसपास सोए थे, अभी 6 बज रहे हैं, 3 घंटे सोए हैं। अब जैसे तैसे बाद में सोई थी, मेरे को नींद आई थी, बाद में ही आई थी। अब जैसी भी नींद आई है बस सो गए। ठंड भी लग रही थी, पहले तो नहीं लग रही थी लेकिन बाद में लग रही थी ठंड। वो तो गाड़ी में फिर भी इतनी नहीं लग रही लेकिन वैसे बाहर ठंड है, मतलब पूरा शीशा ओस से भरा हुआ है। हमारे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के पीछे देखो पूरा का पूरा वो रखा है। बाबा बस जल्दी से ठीक कर दो बाकी आपको पूरा ताकि हम कल घर मेडिकल चले मिल जाएं। जाता हमारा बाबू मुश्किल लाया है है। ये देखिए पूरा शीशा ओस से जम गया पूरा है। सामान, बेड बना रखा है। इधर ये साइड वाला शीशा भी जम गया है, देखो पूरा ओस जम गया। अगर आपको दिखाई देता होगा इस वाले शीशे पे भी ओस जम गया है, ये देखो। कितना ओस जमा हुआ है, इसलिए लोग मतलब इतना अंदर ठंड तो नहीं लग रही है लेकिन ये पूरा पीछे सामान पड़ा हुआ है। कम्बल में सा लेगा। इधर सोनी लेटी हुई है, पूरा बेड बनाया हुआ है। इधर मैं लेटा हूँ इस वाली सीट पे, पूरा ओस हो रहा है ना। अभी इसको पहले एक बार ठीक कर दूँ, मैं हटा दूँ, सब निकाल के रख देते हैं साइड में। सोते समय लगा दिया था ये सब कुछ, तो अभी निकाल के इसको थोड़ा सा साइड में किया जाए। पूरा शीशा वीशा जो गंदा हो रहा है इसको भी ठीक किया जाएगा अभी। कपड़ा कपड़ा है पीछे, पेंट में निकाल के ले गया। गंदा कपड़ा है ये भी, कपड़ा तो मानना पड़ेगा। मतलब बाहर से ओस नहीं जम रही है, अंदर से जो हमारा भाप है ना वो जम के, जिससे पूरी गाड़ी में ओस जमेगी। तो ये अब इसको ठीक करता हूँ एक बार। नो शिवाय, पूरा कपड़ा देख गीला हो गया। क्या तो अंदर जाग कर लियो फिर? अब यहाँ के वॉशरूम्स हैं वो हैं गंदे, तो मैंने इसको ये बोला था यहाँ पीछे थोड़ा जंगल टाइप है वहां जाके कर ले, तो ये कह रही है कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। मैंने उसको ये बोला कि भाई वहां जाके कर ले। अरे यार ये भी छूट गया। एक बार देख कहूंगे को देखिए, पूरा कपड़ा गीला हो गया यार। पूरा का पूरा कपड़ा गीला हो गया भाई साहब, लेकिन कर दिया साहब। बस इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है धो के और फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि गंदा है काफी। काम से लाने लायक तो खरीदी मैंने साहब।
उसके दोपहर में कपड़े को सुखा दूंगा। चलिए गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आप सबसे। अभी लग रही है बहुत ज्यादा ठंडी, पर भी हम उसको ओढ़ के अब बैठेंगे आराम से, क्योंकि रात में हम जो सोच रहे थे ना कि ठंड नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, भाई साहब सुबह लगी ठंड सही से। अब सुबह उठ के मतलब नींद में इतने गायब थे हम कि हमें लगा नहीं। तो जब ये चादर भी उठ के मैंने निकाली है सुबह, वरना सोने पे तो सोई हुई थी, होता आराम से, इसलिए कंबल जरूरी है भाई। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। ये आ गई है चाय गरम गरम, दो फैन ले गए हैं, दो मट्ठी हैं। चलिए इस चाय को पीते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। पहुंच गए कहाँ, मौसी के यहाँ पहुंच गए, और ये आते के साथ ही लग गई है। वीडियो बना ये हमारा खाना आया है, खाया नहीं ना कल से सही से। दो दिन इधर पेटीज है, मोमोज है, और इधर छोले भटूरे। क्या है? छोले भटूरे। मैंने चिकन मंगा दिया क्या? तो ये खाते हैं इसको। तो ये पूरी रात बैठ के खाता, मैंने उनका कैसे करी। हेलो जी, क्या हाल है आप सबके? नेक्स्ट सुबह से तो काफी भागी दौड़ी, भागा दौड़ी हो गई थी, पर सुबह से काफी भागा दौड़ी हो रही थी, तो अभी जस्ट थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। एक्चुअली आज प्लान था कि मैं और उनकी वो रुकेंगे, तो अभी ये फिलहाल कि सोनी को तो मैंने भेज दिया है वहीं पे जो ताऊ जी रहते हैं उनके घर पे, क्योंकि अगर वो रात में रुकी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसको भेज दिया। रात में सच यहाँ पे काम नहीं है। बाकी अगर कंडीशन की बात करें तो हीना की जो अभी तबीयत है वो कल से थोड़ा सा मतलब प्लेटलेट कम हुई है, बाकी तो सब नॉर्मल है। बाकी सुबह का वेट करना पड़ेगा, 11-12 बजे के आसपास जो रिपोर्ट आएगी तो उसी से पता लगेगा कि एक्चुअल में अभी का फिलहाल में क्या कंडीशन है उसकी। तो कल तक का वेट करना पड़ेगा, तो कल तक का वेट करते हैं। बाकी प्लान ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं तो निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए। एक्चुअली ऑफिस के काफ़ी फोन आ रहे हैं, कुछ काम भी है वहाँ पे अर्जेंट, तो वो भी करना पड़ेगा। तो कल सुबह मैं यहाँ से 6 बजे निकलूँगा, तो वही 7-8 बजे तक घर पहुँचूँगा, उसके बाद फिर ऑफिस जाऊँगा, ऑफिस का काम ख़त्म करूँगा, फिर शाम को काम ख़त्म करके फिर आऊँगा घर पे, फिर घर से थोड़ा खाना वाना इन लोगों के लिए बना के, क्योंकि यहाँ पे सोने का प्रॉब्लम है। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब ये रात में, अभी ठंड भी हो रही है थोड़ा यहाँ पे, तो ये रात में कहाँ रुकेंगे फिर, और फालतू का तबीयत ख़राब होगा। गाड़ी रहेगी तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि ये तो ठीक रहेंगे, तो मैं कल रात में आ जाऊँगा वापस, तो दिन में बाकी ये लोग हैंडल कर लेंगे। अगर ठीक ठाक रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर भी मैं ही जाऊंगा इनको वो करने के लिए। तो ये है कि बाकी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सामान एक बार सही सही कर दूँ, कि काफ़ी सामान फैला हुआ, वैसा ना हो सुबह मैं निकलने लगूँ जल्दीबाजी में और फिर इनका सारा सामान यहीं कर दिया। तो चलिए मैं सामान वामान वो करता हूँ, तो चलिए मैं सामान वामान को सेट करता हूँ धीरे धीरे करके ना, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऐसा है, जैसे खाने वाने वाली चीज़ें हैं वो इधर उधर पड़ी हुई हैं। खाने वाली चीज़ें एक साथ कर देता हूँ और बाकी चीज़ें एक साथ कर देता हूँ, पनीर वनीर क्या क्या पड़ा हुआ है। Thank you.
हालत भी ऐसी हो रही है बस, क्या बताए। अभी विंडो वाले लगा देते हैं, बाकी आराम से ही सोना है। खैर थोड़ा सा फोन वोन को भी चार्ज रखना पड़ेगा, फिर रात बात में अगर फोन आया तो कम से कम चार्ज हो, क्योंकि चार्जर भी नहीं है मेरे पास यहाँ पे ना। तो यही है, रेट जब भैया नहीं। अरे भैया कौन सी खिड़की खोल रहे, कौन सी खोल रही है। ये तो सेट हो गया आगे वाले, अब पीछे वाले को भी एक बार टाइट करके शीशा ये भी चिपका देते हैं। लेकिन सेटिंग ही ना समझ में आ रही कैसे होगा भैया, ये भी फंस गया इसकी सेटिंग। ये भी हो गया, चलो गाइस ऑल सेट। थोड़ी देर मच्छर मारे जाए, ये मच्छर दिख रहे हो तो खाना थोड़ा बहुत खा लिया था, 2-3 रोटी, और फिलहाल अभी चलिए रात में अगर कुछ होता है तो दिखाते हैं आपको। बाकी अभी ये है कि खाना वाने के लिए उसको मना किया है डॉक्टर ने, बाकी मेरा सेटिंग हो गया। बस सुबह मुझे वो पीछे वाला बैग उनको देना है, कुछ खाने का सामान है ये देना है, इसके अलावा इसमें एक क्लेचर पड़ा हुआ है बस वो देना है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं देना, बस अभी मैं निकल जाऊंगा वहां से। बाकी आपको आगे का दिखा दे जैसे जैसे होता है, अभी के लिए चलो।